हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, थोड़ा सा लाइट एडजस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, वो देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, वो अगले कुछ घंटों में इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ उनके दिल और दिमाग में चलेगा, ठीक है ना? आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। तो आपको याद रखना है, ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, जनरल रीडिंग है, हर बात आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। और रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हो या फिर आपने बहुत बार वीडियो देखा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर पुराने हो तो वेलकम बैक, ठीक है? चलो देखते हैं अगले कुछ घंटों में इस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स रहेगी इस रिश्ते के लिए। एंजल्स प्लीज हमें बताइए अगले कुछ घंटों के लिए इस पर्सन की, इस रिश्ते के लिए क्या कुछ फीलिंग्स रहेगी। ओके, पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, किंग ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। काफी अकड़ू पर्सन है, ठीक है? काफी ज्यादा अकड़ू पर्सन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, थ्री ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, अगेन टेन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है? लेकिन आपको दिमाग में रखना है, ऑल साइन वालों के लिए है। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है अगले कुछ घंटों में, यहाँ पर एक बंदा या फिर एक बंदी, आप इमोशनल मुझे दिख रहे हो, ठीक है? काफी इमोशनल दिख रहे हो। बाकी अगर मैं देखूं तो अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपकी तरफ स्ट्रेट देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा ईगो में है, इनके अंदर थोड़ा सा ईगो है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में स्टेटस का बहुत ज्यादा फर्क है। आप दोनों में से हो सकता है ये बहुत रिच है, यू नो, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर ठीक ठाक हो, ये बहुत रिच है, या फिर वो मिडिल क्लास फैमिली से है, आप बहुत रिच हो, ऐसा हो सकता है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है अगले कुछ घंटों में ये पर्सन स्ट्रेट आपकी तरफ देखेंगे, स्ट्रेट फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। अगर अभी तक ये हर चीज को नजरअंदाज करते थे, फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लानिंग नहीं था, ये अपना दिमाग लगाएंगे, जो चीज प्रैक्टिकल है, जो चीज यू नो रियल में हो सकता है, उस बात को सोचेंगे। अगर रियलिटी में आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन पॉसिबल है तो वो उसके बारे में सोचेंगे। अगर रियलिटी में आप दोनों के बीच में शादी पॉसिबल है तो वो उसके बारे में भी सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन को अगले कुछ घंटों में लगेगा कि लाइक आप इनका इंतजार कर रहे हो, उनको स्ट्रांगली फील होगा कि आप इनका इंतजार कर रहे हो, ठीक है? अगर अभी तक पता था तो ठीक है, अगर नहीं पता था तो एक चीज स्ट्रांगली तो लगने ही वाली है कि लाइक आप बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हो इनका, एंड बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, ठीक है? और यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आने के लिए सोचेंगे अगले कुछ घंटों में, इनके तरफ से आप एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है? सोच समझा हुआ एक्शन, ये कोई अनएक्सपेक्टेड एक्शन नहीं होगा कि उठे बस बात कर लिया, नो, ये हर चीज को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और सोच समझ कर स्लो ही सही आपके लिए एक्शन लेंगे जरूर। और ये जो एक्शन होगा ये सच में दिल से जुड़ा हुआ होगा, कोई प्रेशर में नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा नहीं कि मतलब चलो बात करते हैं, कोई मतलब एक अट्रैक्शन वाले एक्शन नहीं, बिल्कुल दिल से जो चीज निकलेगी, फेथफुल वाला, ट्रू रोमांस वाला, उस तरीके का एक्शन होगा। लेकिन काफी स्लो मूवमेंट रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइक उनके तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है, उनके तरफ से छोटे छोटे स्टेप्स आएंगे, ठीक है? और यहां पर मुझे अगले 3 से 4 घंटे के अंदर या फिर 30 आवर्स, ठीक है, इस तरीके की टाइम के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर
3 डेज भी हो सकता है। इसमें से मुझे आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स दिख रहे हैं जैसे खुशियों के मोमेंट्स होंगे, वो खुशियां मना रहे होंगे, आप खुशियां मना रहे होंगे, राइट। यहाँ पर मुझे क्या ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ खुशी की बात, खुशी की न्यूज आप दोनों के बीच में आ सकती है, खास करके अगर शादी अटकी अटक गई थी तो कहीं ना कहीं फैमिली रेडी नहीं हो रही थी, आप दोनों बहुत परेशान थे, तो वो एक हैप्पी न्यूज मिल सकता है, फैमिली रेडी हो गई शादी के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में ये पर्सन हो सकता है कि अपने काम के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करे, इनका जो फोकस है इनके काम के ऊपर भी थोड़ा सा रहने वाला है, ये सिर्फ आपके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ये अपने सेल्फ थिंग्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं, अपने फैमिली के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में ये सब कुछ छोड़कर सब आपके बारे में सोचेंगे, नो, फैमिली फ्रेंड्स एंड इनके एक लाइफ में काफी सारी एस्पेक्ट्स है, वो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, अगले कुछ घंटों में ये पर्सन और क्या सोचने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। अगले कुछ घंटों में ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, यस, यहां पर देखो मुझे लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में अगर कुछ चीज, कुछ लोग इनको बिल्कुल रोक रहे थे, ठीक है ना, कि लाइक तुम मत जाओ, तुम बात मत करो, या फिर जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, कुछ भी हो रहा था, ये पर्सन फियरलेस पर्सन की तरह आपके पास आएंगे, लाइक वो उनको ये बोलकर लिटरली आएंगे कि लाइक मैं एक बार बात करके देखना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर आपने खुद उनको मना किया होगा कि लाइक तुमने मुझे बहुत सताया है, अब मेरी जिंदगी में वापस मत आओ, आना है तो परमानेंट आओ, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक फियरलेस पर्सन की तरह आएंगे आपके पास, जो उनके दिल में है वो बताने के लिए। हाँ, मुझे ये अगले कुछ घंटों में इन एंड आउट करते हुए भी दिख रहे हैं, हो सकता है आपको अनब्लॉक करे, फिर से देखे क्या कर रहे हो, फिर से ब्लॉक कर दे, ऐसा भी वो कर सकते हैं। और इनका ना टेम्पर जो है थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, ये थोड़े गुस्से वाले पर्सन हैं, और अगले कुछ घंटों में ये बिना बात के भी आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, अगर इनको बार 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 आप बोलो कि बात करो और ये बिजी होंगे, बट स्टिल आप इनको इंसिस्ट कर रहे होंगे बात करो, ये आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है, मैं उसके ऊपर आऊंगी थोड़ी ही देर में, ठीक है ना। नेक्स्ट और क्या यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं, जस्ट प्लीज हमें बताएं अगले कुछ घंटों में ये पर्सन और क्या कुछ फील करेंगे। जजमेंट, यस, अगले कुछ घंटों में क्या होगा, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के लिए यहाँ पर सोची जाएगी, ठीक है, खुश हो जाओ ये सुनकर कि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ये पर्सन डेफिनेटली अगले कुछ घंटों में अपनी जो कर्मा है, ठीक है, उसको उसको रिलीज कर देंगे, अपनी जो गलती है उसको फाइनली ये समझेंगे कि इन्होंने क्या गलत किया, और एक डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और जो डिसीजन होगा वो लाइफ लॉन्ग ही होगा, ये ऐसा वैसा आज कल चेंज होने वाला डिसीजन नहीं होगा, ये कोई स्ट्रांग डिसीजन लेंगे, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर कुछ ना कुछ स्ट्रांग डिसीजन ये पर्सन जरूर आने वाले शायद 2 घंटे या फिर 20 घंटे के अंदर ये लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। सेकंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसन एरिस लियो सजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर। देखो आने वाले 4 से 5 घंटों में ये पर्सन उन सबको नजरअंदाज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनका जो दिमाग है वो आपके पास अटका हुआ होगा, ठीक है ना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अगले कुछ घंटों में 4-5 घंटों में उनकी लाइफ में कोई नहीं होगा, होंगे, आसपास लोग होंगे, इवन थर्ड पार्टी भी होगी, बट इनको उस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनको इंतजार आपका है और आपका ही रहेगा। यू नो, कहीं ना कहीं भीड़ में खुद को अकेला महसूस करेंगे, भीड़ में भी ऐसा लगेगा कि लाइक मैं अकेला हूं यहां पर, तो बेसिकली उनको अकेलापन महसूस होता हुआ मुझे अगले कुछ घंटों में दिख रहा है। एंड स्ट्रेंथ, यस, जैसे ही ये पर्सन, लियो एनर्जी है यहाँ पर, जैसे ही ये पर्सन को अकेला महसूस होगा, ये खुद को समझाने की, यू नो, जैसे
खुद को समझाते हैं, हाँ भाई बात हो जाएगी, चीजें सही हो जाएगी, थोड़ा सा हिम्मत रखो, जैसे होता है ना, तो ये पर्सन खुद को दिलासे देंगे, ठीक है हिम्मत रखो बात हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ये सोचेंगे भी कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, हाउ टू रिस्पॉन्ड, कैसे उनकी जो एंगर है, उनकी जो ईगो है, उनकी जो एटीट्यूड है, वो सारी चीजों को किस तरीके से ये बिल्कुल सप्रेस करके रखे, हैंडल करके रखे, और किस तरीके से आपसे अच्छे से बात करे, कैसे रिस्पॉन्ड करे, तो चीजें अच्छा होगा, ना कि और भी ज्यादा बुरा होगा। तो अगले कुछ घंटों में ये पर्सन ऐसा भी सोच सकते हैं, शायद 8 से 9 घंटे के अंदर ये पर्सन ऐसा भी सोचेंगे कि कैसे बात किया जाए तो आपके साथ अच्छे से बात हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी एक्वेरियस, नॉट जेमिनी एक्वेरियस, इट्स एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी। अगले कुछ घंटों में, खास करके अगले 7 घंटों में, ठीक है, अगले 7 घंटों में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस रिश्ते में जो चीजें रुकी हुई थी उसका प्रोग्रेस होगा। चीजें जहां बिल्कुल स्टक थी, इवन ब्लॉक्ड सिचुएशन था, यहाँ पर अनब्लॉक होगा, बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, थोड़ी बात होगी, कुछ ना कुछ इस रिश्ते को लेकर गुड न्यूज मिलेगा, ठीक है। और ये न्यूज ना लगभग लगभग गुड न्यूज ही होगा, ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा न्यूज मिलेगा, इस रिश्ते की ग्रोथ के बारे में कुछ न्यूज मिलेगा, ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे अगले कुछ घंटों में, खुश हो जाओ, ठीक है। और यहां पर मैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालती हूँ, लेट्स सी थर्ड पार्टी के साथ क्या सिनेरियो चल रहा है। गाइस वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें और चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है इंद्रस, प्लीज हमें बताएं। देखो हो सकता है थर्ड पार्टी उनकी सोलमेट हो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है थर्ड पार्टी उनकी एक वन ऑफ द सोलमेट हो, क्योंकि सोलमेट एक नहीं होते हैं, सो वन ऑफ द सोलमेट हो सकते हैं थर्ड पार्टी। ओ माय गॉड, क्या कार्ड्स आ रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। देखो ये पर्सन, मैं इनकी फीलिंग्स बता देती हूँ, अगले कुछ घंटों में थर्ड पार्टी को ये अपना प्यार देने की कोशिश करेंगे, ये अपना दिल खोल के रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के पास गए थे ना, तो अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी क्या करेगी यहाँ पर, थर्ड पार्टी उनको रूल करने की कोशिश करेगी, उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगी, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। देखो ये पर्सन जो आपको ईगो दिखा रहे हैं, वो लाइक ईगो आपको दिखा रहे हैं, एटीट्यूड आपको दिखा रहे हैं, और थर्ड पार्टी से अगर अच्छे बिहेव कर रहे थे, सेंसिटिव हो रहे थे, तो अभी क्या हो रहा है, अगले कुछ घंटों में जो ईगो वो आपको दिखा रहे थे ना, वो उल्टा पड़ जाएगा, थर्ड पार्टी इनको दिखाना स्टार्ट कर देगी, आर्गुमेंट्स हो सकती है, देन कहीं ना कहीं इस पर्सन को गिल्ट इसीलिए फील होगा कि लाइक क्या किया मैंने, वो सोचने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे कि अगर उन्होंने रूडनेस दिखाई आपको, तो आपको उस वक्त कितना बुरा लगा होगा, जब जब इन्होंने उन्होंने आपसे ऐसी बात की, और जब वही चीज उनके ऊपर पड़ रहा है, तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा, कितना बुरा लग रहा है, कर्मा उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से जजमेंट कार्ड आया है आपके लिए, वहां पर फटके पड़ेंगे और वहां पर कहीं ना कहीं चीजें जो ऐसी फेस करेंगे, तो यहाँ पर दिमाग में अकल तो आएगी ना, वही चीज है, ठीक है ना। लेट्स सी और यहाँ पर क्या कार्ड्स आ रहे हैं, एजेस प्लीज हमें बताइए अगले कुछ घंटों में ये पर्सन और क्या फील करेंगे। चीजें जो होती है ना, बहुत कनेक्टेड होती है, आपको लगता है कि लाइक चीजें कैसे भी हो रहे हैं, कैसे भी नहीं होते हैं, चीजें काफी कनेक्टेड होते हैं, वहां उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ किया उस चीज का रियलाइजेशन करवाने के लिए। तो भगवान इंसान को अपना कर्मफल दे देता है वक्त पर, ठीक है ना। यहां पर है ब्लिस, नेक्स्ट यहां पर है लाइफ, नेक्स्ट यहां पर है न्यू बिगिनिंग, नेक्स्ट यहां पर क्या है, और क्या चल रहा है। देखो अगले कुछ घंटों में और क्या फीलिंग्स यहां पर रहेगी। देखो यहां पर अगले कुछ घंटों में मुझे दिख रहा है
इनको ना थर्ड पार्टी फंसाने की बहुत कोशिश करेगी, ठीक है। सिर्फ थर्ड पार्टी क्यों, इनको कोई ऐसा मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी आपसे, कि मतलब आपके बारे में ज्यादा ना सोचे और डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। इनके दिमाग में अगले कुछ घंटों में आएगा आपसे बात करना, तो वो बात करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर 100% उनको कोई डिस्ट्रैक्ट करेगा, कोई मना करेगा, कोई उनको ऐसा बोलेगा कि बात मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन ये उस बात को नहीं सुनेंगे। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपसाइड डाउन फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक मैं क्या करूं, एक हैंग्ड मैन का सिचुएशन इनका हो गया है और थर्ड पार्टी में थोड़े फंस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगेगा अगर आपके साथ बात किया जाए तो आप इनको कोई सोल्यूशन दे सकते हो। लेकिन यस, यहाँ पर ये पर्सन अगले कुछ घंटों में नजरअंदाज करेंगे उस चीज को जो चीज इनके ऊपर हावी होगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि यहाँ पर ब्लेस्ड सिचुएशन रहेगी, सिचुएशन काफी ज्यादा ब्लेस्ड रहेगी। कैसे रहेगी, कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन जो भी उनको डिस्ट्रैक्ट करेगी, अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो अपने आप ही चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं भगवान खुश होंगे या फिर भगवान सोचे कि चलो इस इंसान को कुछ अक्ल तो आया। कहीं ना कहीं यस, यहाँ पर अगर नेगेटिव चीजों से ध्यान हटेगा तो पॉजिटिव चीज के ऊपर ध्यान जाएगा और इस रिश्ते में जो ब्लेसिंग्स है वो ज्यादा अच्छे से काम करेगी, ठीक है। और विद द लाइफ देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो अगले कुछ घंटों में उनके जीवन में आपको शामिल करना चाहेंगे, एक दोस्त की तरह, चाहे हो एक गर्लफ्रेंड की तरह, हो बॉयफ्रेंड की तरह, हो वाइफ की तरह, हो एक कोई भी फॉर्म में, कोई भी रिश्ते से आपको ऐड करना चाहेंगे। क्योंकि उनको ऐसा फील होगा कि लाइक बात करना, ऐड करना ही सही होगा। आप जैसा अच्छा इंसान, आप जैसे एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी उनके लाइफ में जरूर रहना चाहिए, जो उनको अच्छे बुरे का गाइड करे, जो उनको समझे। और ऐसे पर्सनालिटी उनकी जिंदगी में रहना जरूर चाहिए और किसी भी तरीके से ये रखेंगे आपको। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको एक अट्रैक्शन भी फील हो सकता है अगले कुछ घंटों में आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ देखते हैं कार्ड्स। यहाँ पर पहला कार्ड है असर्टिवनेस, ठीक है। स्टैंड अप फॉर योर बिलीफ एंड ओनली से यस इफ यू रियली वॉन्ट टू। यहाँ पर बोला जा रहा है, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है, और ये उनके लिए भी मैसेज है। मैं पहले उनके लिए बता देती हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है अगर उनको फील हो रहा है वो कोई रॉन्ग रिलेशनशिप में है, तो उनको वहां स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझ जैसे कि नो, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ किस ओर आना, आपके ओर आना। उनको ये बोलना पड़ेगा लाउडली। जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक वो वहां से नहीं निकलेंगे। और आपके लिए ऐसा है कि लाइक अगर आपको बिलीव है कि ये पर्सन लौटेंगे, उस बिलीव को ज्यादा एनर्जी दो, यूनिवर्स के पास उस बिलीव को ज्यादा एनर्जी पहुंचाओ, वो अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर यहाँ पर आपको शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हमारे घर वालों की मर्जी से शादी कर लो, और आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो लौट नहीं रहा है, मैं क्या करूं, तो अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए ना, तो घर वालों से बोलकर वक्त लो, या फिर कोई भी ऐसा काम अगर आपको करवाया जा रहा है तो वक्त लो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी। यस, यहाँ पर वही बात हो रही है कि जो थॉट है आपका, जो सोच है, उसको एक्सप्रेस कीजिए। आप किसी को भी, इवन आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, उनकी भी यादें खुद के ऊपर हावी होने के लिए मत दीजिए। खुद अपने लिए स्टैंड लीजिए, खुद शाइन कीजिए, क्योंकि आप ऑसम हो। आपकी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कीजिए। दूसरी चीज, अगर ये पर्सन गलत है और आपको एक गुस्सा आता है इनको बोलने के लिए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो एक बार बोलो भी, क्योंकि अपना गुस्सा बाहर निकालो, अंदर रखकर घुटो मत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और दो कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेशेंस एंड प्लीज
बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, प्लीज की भी जरूरत है। पेशेंस रखो, ठीक है, और खुद के लिए स्टैंड जरूर लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ चीजों को, देखो यहाँ पर अच्छा ना लगे सुनकर, लेकिन सुनो, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो जो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, तो बेहतर है आप अपने कार्मिक पार्टनर को लेट गो कर दो। जो लोग कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, जो लोग सोलमेट और अच्छे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, यहाँ पर गुड बाय बोला जा रहा है करने के लिए सारे बुरे चीज को, ठीक है। बस लेट गो कर दो, लेट गो करो, भूलो मत, जस्ट लेट गो करो और लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे ही लेट गो करोगे ये पर्सन वापस आएंगे, ठीक है ना। गाइज, ये थी आपकी रीडिंग और आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ख्याल रखें, बाय गाइज।